आपके जिस्म के साथ आप जितना खेलेंगे वो उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म हो जाती है तो उसे फारिग करना भी आसान हो जाता है। अब बहुत से मर्द हज़रात हैं, वो कहते हैं कि बीवी को उंगली के ज़रिए फारिग किया जाए, तो बीवी को उंगली के ज़रिए फारिग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप बीवी की शर्मगाह में उंगली फेर सकते हैं कि उसे जो है मदहोश करने के लिए आप ये सिलसिला कर सकते हैं, लेकिन उसे फारिग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत है। जब आप बीवी को इतना ज़्यादा आप करेंगे कि जब उसके शर्मगाह में उंगली रखेंगे ही, तो वो जारी सी बात है काफ़ी ज़्यादा तड़प जाएगी और उस चीज़ को महसूस करेगी जब आप उसकी शर्मगाह में उंगली फेरेंगे। तो उसके साथ ही जब आप उंगली फेर रहे हों तो उसके साथ साथ पस्तानों को चूसना शुरू कर दें। जब आप उसके पस्तानों को चूसेंगे, उसके निप्पल पर ज़बान फेरेंगे और साथ ही साथ नीचे उंगली डालते रहेंगे।